नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, पिछले 4-5 महीनों से उसमें लगातार तनाव बना हुआ है। कभी चाइना एलएसी पर एक हरकत करता है तो उसको लेकर भारत और चाइना के बीच बातचीत होती है। बातचीत चल ही रही होती है कि चाइना फिर दूसरी हरकत कर देता है। गलवान घाटी में जो घटना हुई उसके बाद अब पेंगोंग झील के पास जो घटना है उसको लेकर स्थितियां नाजुक हैं, तनाव में बनी हुई हैं। वह जमीन पर कब्जा करना चाहता है, भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए चीन एलएसी की पार करके भारत में बार बार आता है। उसकी सैन्य गतिविधियां, उसके निर्माण, ये सब कुछ एलएसी के पास लगातार और कई किलोमीटर में जो फैला हुआ एलएसी का एरिया है उसमें चीन की तरफ से किया जा रहा है। आखिर चीन इन सब चीजों पर मानता क्यों नहीं है? बार बार बातचीत के बाद भी उसकी हरकत कम क्यों नहीं होती है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंदर लांबा जी, जो वैश्विक स्तर पर बहुत स्ट्रेटजिक वे के एक्सपर्ट हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अरविंदर लांबा जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशुतोष जी, प्लेजर टू बी बैक विद यू अगेन। जी अरविंदर जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं और चाइना खुद को अपने अकेले महसूस कर रहा है, अलग महसूस कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके वह एलएसी पर अपनी हरकतें, सैन्य हरकतें लगातार जारी रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण समझ पाते हैं आप? आशुतोष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि चाइना इस तरह से क्यों कर रहा है। चाइना को अभी गलवान के बाद जो एक्सपीरियंस है अभी पेंगोंगसो का, मैंने उस एरिया को काफी नजदीक से देखा हुआ है और स्ट्रेटेजिकली एनालाइज किया हुआ है। चाइना के ने अपने पहुंच, अपनी हद से ज्यादा पूरे जो नॉर्म्स हैं एलएसी के, उनको रिपीटेडली वायलेट किया है। आशुतोष जी, ये बिल्कुल जाहिर है कि चीन इस बार एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया है कि उसने एलएसी का स्टेटस चेंज करना है। जब मई और जून में उनकी पहली हरकत गलवान में हुई तो हमने शायद पिछले आपके साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि यहां से ये मुड़ने वाला नहीं है। जिस तादाद में उसकी मैकेनाइज फोर्सेस, आर्टिलरी, लाइट आर्मर और जिस तरह से दो डिवीजन वो एक ईस्ट लद्दाख में लेके आया, साथ ही साथ उसने सिक्किम के ईस्ट में, साथ ही साथ अरुणाचल के सामने भी उसने कोशिश की, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है। ये उसकी पुरानी चाल नहीं है कि थोड़ा थोड़ा ट्रांसग्रेशन करेगा। इस स्ट्रेटजी में वो अपने पूरे सोचे समझे हुए प्लान के साथ आया है। जगह जगह उसने कोशिश की कि एलएसी जहां पर उसको फायदा हो सकता है उसका स्टेटस को चेंज करे, जबरदस्ती लैंड को ग्रैब करके टेरिटरी ऑक्यूपाई करे और अपनी सिक्योरिटी एलएसी की पूरी तरह से आगे के लिए उसको महफूज करे, ताकि इंडियन फोर्सेस हमेशा ही आगे के लिए एक डिसएडवांटेज में रह जाएं। तो क्योंकि उनके पास ट्रूप्स हैं, एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है, ये जाहिर है कि चाइना ने सोचा कि इस ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास एलएसी को रीडिफाइन करने का, रिफाइन करने का और अपनी एडवांटेज के लिए एडजस्ट करने के लिए है। लंबा जी, जिस तरीके से अभी एक बात बयान सामने आया है जिसमें चाइना ने ये खुले तौर पे कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसमें हस्तक्षेप न करे, तो वैश्विक स्तर पे भी वो बड़ा संदेश दे रहा है और इस विवाद को एक तरीके से आगे जारी रखने का भी उसका एक इरादा लगता है इसमें। इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है, तकरीबन 2017 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम और मोदी साहब के टाइम, उनके न्यू प्रेजेंट गवर्नमेंट में एंगेजमेंट इतनी स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेटिव हो चुकी है कि जिससे दोनों देशों को बहुत फायदा होता है। इंडिया और अमेरिका की 2+2, लेमुआ और उस तरह की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस वगैरह की जो एग्रीमेंट्स हैं वो दोनों देशों को एक नए स्तर पर ले गई हैं। यकीन है ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। शायद चाइना ने कभी सोचा नहीं होगा
कि इंडिया जो हमेशा पीस, हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी के लिए काम करता है, शायद वो डर के अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ना तोड़ पाए और कोई ऐसा कदम ना ले जहां से वो चीन को उत्सुक करे कि वो इंडियन बॉर्डर पर कुछ तकलीफ करे। तो ये पूरा लैंडस्केप इंटरनेशनल रिलेशंस का और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का कंप्लीटली चेंज हो चुका है। द कैनवस इज नाउ रेड विद इंडिया एंड यूएस कोऑपरेशन। और इंडिया और चाइना के वार्निंग ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें या उनके ग्लोबल टाइम्स ही उठा के देखें तो आपको यकीन होगा कि उनकी हर एक आर्ग्यूमेंट केवल एक धमकी है, एक धमकी जिसमें कोई दम नहीं रहा। और जब इंडिया ने एक अपना खुद का एक सॉलिड स्टैंड लिया और साथ अंतरराष्ट्रीय स्टैंड को अपने साथ लगाया तो चाइना को बहुत सीरियस और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हुआ है। और अभी ये धमकी दे या कुछ दे, इसके कंट्रोल से शायद सिचुएशन बाहर ही बिगड़ती दिखाई दे रही है। लामा जी, जिस तरीके से आपने पूरी कई देशों में और कई जगहों पर जाके आपने रक्षा से संबंधित काम देखा है और डिफेंस के आप एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटजी भी, आप स्ट्रेटजिकली किस तरीके से देश काम करते हैं इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखा समझा और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स भी की हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसी एक बात बताई जा रही है कि चाइना बेसिकली एलएसी को डिस्टर्ब करके उस जगह कब्जा करना चाहता है जो भारतीय भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि दौलत बेग ओल्डी पर जो रोड बनाई गई है, बताते हैं कि चाइना उस रोड पर भी कब्जा करना चाहता है। ये बिल्कुल सही है आशुतोष जी, कि मैंने पहले जिक्र किया आपके दूसरे सवाल के जवाब में कि वो एक स्ट्रैटेजी लेके आया है कि मैं इस एलएसी को स्टेटस को इसका चेंज करूंगा, इसको रीअलाइन करवाऊंगा ताकि ये मेरे एडवांटेज में हो, जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख, डेपसांग और पेंगोंग त्सो, ये तीन एरिया अभी बिल्कुल एक्टिव और अलाइव है और मैं इन्हीं की बात करूंगा। इसी सेक्टर में डीबीओ का भी जिक्र आता है। ये एक इतना स्ट्रेटेजिक एरिया है आशुतोष जी जिसमें चाइना को बहुत ही बड़ा एक खतरा दिखाई दे रहा है। पहली बार इंडिया की कंप्लीट स्ट्रेटजी उसको विजिबल है, इंडिया के कंप्लीट एक्शंस इन सपोर्ट ऑफ इट स्ट्रेटजी क्लियर है कि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 से 15 साल में बहुत एडवांस कर दिया है। इंडिया को, चाइना को खतरा है कि इंडिया की ये दौलत बेग और चुशूल वाली जो रोड है, ये रोड आगे जाके अक्साई चिन में मिलती है, काराकोरम पास को मिलती है, और उसको ये खतरा है कि ये रोड आगे जो कि सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर बॉर्डर से है, जहां पर हमारे सारे स्ट्रेटेजिक एयर सप्लाईज, फॉरवर्ड मूवमेंट, रीडिप्लॉयमेंट्स जहां से होती हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इस पर कब्जा तो नहीं करने की सोच सकता वो, लेकिन इसको डोमिनेट करने की सोच सकता है और इसके ऊपर डिसरप्शन फायरिंग करके, गोलाबारी करके, एयरक्राफ्ट द्वारा इसको, इस आर्टरी को तोड़ना करने की कोशिश कर सकेगा। वो भी एक उसका अनुमान है कि मैं ये कर पाऊंगा, जिस तरह की एयरफोर्स, जिस तरह की आर्टिलरी, जिस तरह के ट्रूप्स और जिस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन इंडिया की इस समय है, ये शायद एक उसके लिए एक सोच ही रह जाए। हमारी जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक हैं वो जान रहे होंगे कि भारत वाकई बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछले 7-8-10 सालों में जिस तरीके से काम हुआ है एलएसी के पास, चाइना के लिए कम से कम हम बहुत सारी चीजों में मजबूत हो चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात आती है कि चूंकि अभी तो तनाव और झड़पें छोटी मोटी होती रहती हैं, जैसे गलवान में हुई या फिर पेंगोंग में उन्होंने कोशिश की, हमें जानना चाहते हैं कि क्या एलएसी के पास जिस तरीके से स्ट्रेटजी की वे में चाइना आगे आ रहा है, क्या कोई बड़ी झड़प भी हो सकती है क्या? और अगर होती है तो भारत की स्थिति क्या होगी उसमें? ये एक बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, बिकॉज हम इस सिचुएशन से कहां जा रहे हैं। चाइना ने ट्रेडिशनल तरीके से ट्रांसग्रेशन किया, एलएसी को तोड़ने की, मोड़ने की कोशिश की, और उस हमारे ऊपर अचानक सरप्राइज शॉक, जो कि दूसरा वर्ड है मिसट्रस्ट का, चाइना इज नोन टू बी अनट्रस्टवर्दी, ये शायद हमको
देर लग गई समझने में कि उसके जो फ्रेंडशिप वाले पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी ये वो, ये सब एक उनका फसाद है किस तरह से हम अपनी प्रोग्रेस करते जाएं। तो मेरे को ये लगता है कि चाइना ने ये देख लिया है कि शायद इस समय ये मैं अपना स्ट्रैटेजी संपूर्ण रूप से कायम नहीं कर सकूंगा। और आपने सेकंड जो पार्ट आपका क्वेश्चन है प्लीज दोबारा पूछेंगे, सेकंड पार्ट आपका, सेकंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस पूरे एलएसी पर चीन किसी बड़ी हरकत को अंजाम देता है तो भारत उसका जवाब देने में कितना मजबूत है और किस तरीके से देगा। बहुत बहुत ही अच्छा और आवश्यक सवाल है, कोई भी रिसर्च और एनालिसिस इस सवाल के बिना कंप्लीट नहीं होती। झड़प, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट या ऑल आउट वॉर, ये एक सिचुएशन का एवोल्यूशन होता है, एस्केलेशन लैडर जिसको हम बोलते हैं। चाइना ने इसको बड़े तरीके से टेस्ट किया हुआ है, लेकिन चाइना शायद भूल जाता है कि किसी भी वॉर में वो ना स्ट्रैटेजी लगा सका, ना ऑपरेशनल लगा सका, केवल टैक्टिकल वॉर पर ही रह गया। वियतनाम वॉर उसका पुराना अनुमान है जिसको वो भूल नहीं सकता, कैसे ही उसकी शिकस्त मिली थी। बाकी जो इंडिया के साथ 62 की वॉर थी वो कोई वॉर नहीं थी, वो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक लीडर्स जब हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहे थे, एक सरप्राइज और मिस्ट्रस्ट से किया गया था। आपका आज का सवाल जो चाइना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, चाहे उसके पास हथियार हैं दुनिया के बेस्ट, सो वो कहता है बेस्ट स्टेल्थ बॉम्बर्स उसने बना लिए क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने रिवर्स किया यूएसए से, बहुत बड़ी नेवी की वो प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन ये सब बिल्कुल आइसोलेशन में किसी भी हद तक सक्सेसफुल इन इटसेल्फ नहीं माने जा सकते। भिड़ंत होगी तो एक ट्रेडिशनल एस्केलेशन होगा, लोकल कॉन्फ्लिक्ट, लोकल कॉन्फ्रंटेशन, localized war and then all out war। और चाइना जिस तरह से घिर चुका है, दो चीजें इसमें मैं बोलना चाहूंगा। पहला कि इंडिया खुद अपनी डिप्लॉयमेंट्स को इतनी मजबूत कर चुका है, फॉरवर्ड पोजीशंस इसके सारे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुके हैं, इनकी दी जो एयरफोर्स की तादाद और जो नेवी के पोसाइडन P-81 एयरक्राफ्ट जो स्ट्रेटेजिक रेगी करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो मेरे सोच में इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, चाइना ने कभी सोचा भी नहीं था ये होगा। तो इंडिया अपने पूरे मुद्दे और डिटर्मिनेशन के साथ है, रेडी है। मेरे को लगता है अगर कोई छोटा लोकल प्रॉब्लम हुआ उसको चाइना इंडिया से ज्यादा प्रिवेंट करेगी, नहीं तो उसको रिजॉल्व करेगी, क्योंकि इस बारी ना केवल इंडिया लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो सपोर्ट दिख नहीं रहा चाइना को, जो यूएस के स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बॉम्बर्स डिगो गार्शिया से ग्वाम में आ गए हैं, उनका असर हम रोज पढ़ते और एनालाइज करते हैं। तो ये चाइना से छुपा नहीं हुआ, भिड़ंत के लिए इंडिया इज रेडी, चाइना मे नॉट बी रेडी। आशुतोष जी, जी लामा जी, जिस तरीके से पिछली बार गलवान में घटना हुई और जवान हमारे शहीद हुए, उनके भी जवान बहुत मारे गए, उस घटना के बाद भारत ने बड़ा एक कदम उठाया और उनके कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन बैन कर दिए। पेंगोंग के बाद अब फिर कुछ मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया गया है। चाइना के मोबाइल एप्लीकेशन बैन करने से पिछली बार जब बंद किया था तो उसका कुछ बहुत असर दिखा नहीं, लगातार उनकी हरकतें जारी हैं, इस बार फिर उनके एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्या इसको किस तरीके से देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगाने से क्या चाइना को कुछ सबक मिलता है क्या? जब आप एक नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से इस चीज को एनालाइज करें, और मैं आपको वो एक पर्सपेक्टिव दूंगा, तो ये चाइना के ऊपर एक ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी का इल्जाम है सबसे पहले, क्योंकि उनके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर है जो डेटा एक्विजिशन, अनऑथराइज डेटा एक्विजिशन, डेटा डिस्टर्बेंस, डेटा माइनिंग करते हैं और सिक्योरिटी के तरह से उसको मिसयूज करते हैं। इसीलिए जो एक्ट हमारा है, इट इज prejudicial to sovereignty
एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। ये है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 अल्फा, जिसके बेसिस पर हमने प्रूव किया है कि ये जो एप्स हैं इनमें एक डेटा एक्सट्रैक्शन एक्सट्रिकेशन का आरोप है, और दूसरी चीज ये एक बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है। एंड फाइनली दो स्टेटमेंट जो इनकी इसकी इफेक्ट चाइना को और दुनिया को दिखाएंगी, और हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लगभग 2019 से आज तक चाइना ने टिकटॉक और कुछ बाकी मेजर एप्स में $17 बिलियन का ट्रेड किया है, का बिजनेस किया है। हो सकता है इसमें $4 से $5 बिलियन का उनको प्रॉफिट हो, लेकिन अगर ये इस स्ट्रैटेजी को रोका ना जाए तो हो सकता है उनकी इतनी जबरदस्त बिजनेस मार्केटिंग है कि वो इस 19 बिलियन को 30 बिलियन जो कि हमारा 1/3 ऑफ आर डिफेंस बजट है उस हद तक ले जा सकता है। तो ये जानना सबके लिए जरूरी है, एज ऑन टुडे इन द ईयर 2019-20 $17 बिलियन इज द बिजनेस थ्रू दिस एप्स, एंड चाइना हैज टू बी वॉर्न्ड, नॉट ओनली दैट इट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बट इट इज योर बिजनेस विल बी मेड टू सफर, और ये इसका असर लॉन्ग टर्म में उनकी अपनी सिक्योरिटी पर बहुत जबरदस्त होगा। निश्चित रूप से मोबाइल एप्लीकेशंस बंद किए जाने पर उनको बहुत बड़ा घाटा हो रहा है चीन को। पिछली बार भी इस तरीके के आंकड़े आए थे सामने की जो 49 के करीब मोबाइल एप्लीकेशन बैन की गई थी, उसके बाद उनको बड़ा घाटा हुआ था। अब फिर एक बार बड़ी संख्या में मोबाइल एप्लीकेशंस बंद की गई है। निश्चित रूप से चाइना को घाटा होगा, लेकिन इस पिछली बार के घाटे से चाइना ने सबक नहीं लिया। इस बार फिर उसको निश्चित रूप से एप्लीकेशन बंद किए जाने का घाटा होगा, लेकिन वो सबक नहीं ले रहा है। मैं लामा जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए एलएसी पर जो वो हरकतें करता है वो उस घाटे से भी या उस रेवेन्यू से भी जो उसको मिलता था उससे भी बड़ी चीजें हैं वहां पे? यकीनन, एब्सोल्युटली, कि जो एलएसी पर चाहे वॉर हो ना हो, किसी भी चीज सिक्योरिटी की एस्टिमेशन क्वांटिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि एक आर्मी अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पावर, अपने मानसिकता, अपने वेपन पावर और अपनी स्ट्रेटजी के साथ दिखाती है। उसी तरह एक नेशन भी अपनी सिक्योरिटी, जैसे कि बहुत ही बड़ा चेंज है आशुतोष जी जो हम आज देख रहे हैं, मैंने 40 इयर्स सर्विस किया है आर्मी में, लेकिन जिस बुनियाद पर आज हमारी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज हैं उनकी हमारे को जरूर, उससे हमारे डिफेंस बजट्स बढ़ेंगे, हमारे डिफेंस एक्विजिशंस बढ़ेंगे, यकीनन सिक्योरिटी ताकत कैपेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जो चाइना का लॉस है वो सिर्फ दो लाइन में एक्सप्रेस कर सकता हूं। एक है कि आपने इतनी तादाद में और इतने बड़ी स्ट्रैटेजी बनाकर सोचा कि एलएसी को हम रीडिफाइन करेंगे, इंडिया पर प्रेशर डालेंगे और हर बारी की तरह ट्राई कोशिश करेंगे और टेरिटरी हम लेते रहे, लेकिन इस चीज में शिकस्त खाना, इसका मेजरमेंट क्वांटिफाई नहीं हो सकता। एक वर्ड होता है लॉस ऑफ फेस, और चाइना का ये लॉस ऑफ फेस उसको पूरी दुनिया में उसके इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को चैलेंज कर सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर चाइना ने इतनी बड़ा कदम उठाया है तो इसको सोच के करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कहीं पर चाहे लड़ाई ना करने की सोच सके, और अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाया तो ये अपनी इंटरनल कंट्री, अपने इंटरनली अपने सिचुएशन को कभी अपने कंट्रीमैन को नहीं समझा पाएगा कि क्यों हम लड़ाई सोचते हुए भी, स्ट्रेटजी बना के भी, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर करके हम क्यों नहीं एक बुनियाद नई एलएसी में या एक अपने देशवासियों को ऐसा यकीन दिलाएं कि हमने भारत पर विजयता प्राप्त की है। तो ये उनका लॉस ऑफ फेस है जिसकी कोई कीमत अनुमान नहीं की जा सकती, लेकिन चाइना को डोकलम की तरह लॉस ऑफ फेस
प्राइसलेस प्रूव होगा, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रन में उनको चोट मारेगा। लामा जी, जिस तरीके से आपने ये बताया है कि चाइना किस तरीके से स्ट्रेटजी रणनीति बनाकर चीजों को देख रहा है और एलएसी पे किस तरीके से स्थिति बनाने के लिए, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि जितना भी वो आगे चल रहा है सोच के, हमें नहीं पता, लेकिन तय बात है जो हरकतें हैं उसकी उसकी उसका मंसूबा यही है कि एलएसी को रिडिफाइन किया जाए और अधिक से अधिक जगह अपने अधिकार में लाई जाए। और भारत है कि अब एलएसी पर किसी भी तरीके से बदलाव न होने देने के लिए मजबूती से खड़ा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि वो काफी कई सौ सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में वो एक एलएसी का एलएसी की सीमा पड़ती है, वहां पर कहां कहां किस तरीके से भारत ने किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रखा है, और अगर भविष्य में आर पार की बात आती है तो भारत कहां खड़ा होता है? भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स बिल्कुल परफेक्टली इन पोजीशन कर ली हैं। भारत प्रिपरेशन फुल एलएसी के साथ साथ कंप्लीट है। इंडिया की बिल्डअप ऑफ एयरफोर्स मैं जिक्र कर चुका, आर्मी के जितने तादाद में हमें ट्रूप्स चाहिए वो आगे जा चुके हैं। मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, मेरा ये सोच है कि अब इंडिया की डिप्लॉयमेंट, इंडिया की रिसोर्स एप्लीकेशन और इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स जो डिप्लॉय किए गए हैं, और साथ ही साथ एक कोई कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन या कोई भी लोकलाइज्ड सिचुएशन होने में जो इंडिया को एक्सटर्नल पावर से सपोर्ट मिलेगा, एक मिलिट्री रूप से, पॉलिटिकल रूप से और एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट से, ये चाइना के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो अगर आप यही दो चीजें ली जाएं तो इस पर्सपेक्टिव से इंडिया पूरी तरह से एलएसी पर मजबूत अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशंस में जा चुका है, और इसको कोई भी आर्मी इसको पोजीशन से रिप्लेस नहीं कर सकती। और फाइनली ये बताना जरूरी होगा, जो हादसा पेंगांगसो में अभी पिछले 28-29-30 को शुरू हुआ और कल और परसों आज में जो कार्रवाई हुई, जो भारत देश ने सदर्न बैंक ऑफ पेंगांगसो पे ऑक्यूपेशन प्रीएम्प्टिव किया, ये एक मिसाल है जिसमें रेक्विन, हुनान कोस्ट और काफी सारे इलाके, रजांगला कंप्लीट, ये ईस्टर्न लद्दाख को सिक्योर कर लिया गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रीएम्प्शन है जो कि चाइना को फोर्स कर देगा कि उसका कोई भी प्लान इस जगह से, इस एरिया से सक्सेस नहीं हो सकता। क्या बात, लामा जी, जिस तरीके से आपने बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि अगर भारत और चाइना के बीच एलएसी पर कोई ऐसी स्थिति आती है कि जब भारत को मजबूती से जवाब देना पड़ेगा तो भारत कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा चाइना को, उसकी जिस तरीके से वो हरकत में आएगा उससे दुगनी ताकत से उसको जवाब मिलेगा और हम कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से एलएसी जहां है वैसी ही रहेगी, चाइना के मनसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। Thank you, Ashley.